खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। लखनऊ में कल हुई हिंदू समाज पार्टी के अध्यक्ष कमलेश तिवारी की हत्या का केस सुलझ गया है। गुजरात एटीएस का दावा है कि तीन आरोपियों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। यूपी के डीजीपी ओपी सिंह ने कल हत्यारों को जान पहचान का बताया था, आज 2015 की विवादित टिप्पणी को जिम्मेदार ठहरा दिया। वहीं दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ कमलेश तिवारी के परिवार से मुलाकात कर सकते हैं। सीएम योगी से मिलने की जिद पर अड़े परिवार को अधिकारियों ने समझाकर अंतिम संस्कार के लिए राजी किया। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने बताया कि पाक 9 नवंबर को करतारपुर कॉरिडोर का उद्घाटन करेगा। कुरैशी ने दावा किया कि मनमोहन सिंह करतारपुर साहिब जाएंगे, लेकिन यात्री के तौर पर न कि मुख्य अतिथि के तौर पर। पीएम मोदी 8 नवंबर को करतारपुर कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। महाराष्ट्र और हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान आज शाम 5 बजे थम गया। दोनों राज्यों में प्रचार के आखिरी दिन सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंकी। महाराष्ट्र की 288 और हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों पर 21 अक्टूबर को मतदान होना है। नतीजे 24 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट से राहत न मिलने के बाद आज पीएमसी बैंक के खाता धारकों ने मुंबई में आरबीआई दफ्तर के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान कई लोगों की तबीयत भी खराब हो गई। वहीं पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए कई लोगों को खदेड़ा। इस मामले में अब तक 3 खाता धारकों की मौत हो चुकी है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीसरे और आखिरी मैच में टीम इंडिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी। पहले दिन का खेल खत्म होने पर खराब शुरुआत से उबरते हुए भारत ने रोहित शर्मा के शतक की बदौलत 3 विकेट पर 224 रन बनाए। इस सीरीज में शर्मा का ये तीसरा शतक है। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।